नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र पुनर्वलोकन की सीरीज स्टार्ट की है हमने, और पिछली तीन वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पहली वीडियो में जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो भारत का संविधान विकास है, और दूसरी वीडियो में हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया इस चैप्टर कंप्लीट किया था, और पिछली तीसरी वीडियो में हमने ये दो चैप्टर कंप्लीट किए थे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आज इस वीडियो में हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और इसी वीडियो में दोस्तों हम संविधान में अनुच्छेद ये 5 और 6 ये दोनों चैप्टर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, और चैप्टर का जो नाम है आज वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों, हमारे संविधान 22 भागों में विभाजित है, लेकिन टोटल इसमें 25 भाग हैं। दोस्तों, आपको 25 के 25 भाग एकदम रटे हुए होने चाहिए, 25 भाग आपको रटे हुए होने चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं संविधान में, वे आपको एकदम मुंह जुबानी रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना दोस्तों काम नहीं चलने वाला। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 1 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं वे तो आपको रटे हुए ही होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो मोटे मोटे आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक, जब हम आर्टिकल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर जो है ये भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में 22 भागों में विभाजित हैं, लेकिन टोटल वर्तमान में 25 भाग हैं। ध्यान रखना है, 22 भागों में विभाजित है हमारा संविधान, और टोटल अगर गणना करेंगे हम तो गिनेंगे तो 25 भाग हैं। देखिए 25 कैसे कैसे होते हैं। पहला जो भाग है संविधान का वो संघ और राज्य क्षेत्र है। 25 के 25 जो भाग हैं वे आपको रटे हुए होने ही चाहिए, क्योंकि हर एस्पिरेंट को ये पता हुआ होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो देश का जो जागरूक नागरिक है उसको भी संविधान के एक मोटी मोटी जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, DPSP हुए, राज्य के नीति नहीं दे सकता, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुई। ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन हम अपने जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भूल जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो भाग है संविधान का उसके जो विषय है उसमें क्या लिखा है, तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक संविधान का जो भाग ए का आर्टिकल 1 से 4 तक में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, नागरिकता का क्या है, 5 से लेकर 11 तक। जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको दोस्तों भाग बताऊँगा, और बताऊँगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ तक है। इस वीडियो में केवल मोटा मोटा हम समझते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, जो 12 से लेकर 35 तक फैले हुए हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक DPSP है, और मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, एक ही आर्टिकल है दोस्तों 51A। तो 51A में क्या है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य है। तो आपको ये तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि भाग एक किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फैला हुआ है, भाग 2 5 से लेकर 11 तक है, भाग 3 मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटा तो आपको पता ही होना चाहिए, बेशक उसके बारे अंदर नॉलेज बेशक आपको ना हो, लेकिन मोटा मोटा आपको रफ आइडिया होगा कि 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, और राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दे रखी है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भाग चार ए। सबसे पहले मैं आपको उसके भाग गिनवा देता हूँ कि भाग इसमें कितने भाग हैं। देखिए, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। भाग चार ए मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये पांच भाग हो गए यहाँ तक। फिर देखिए, अभी चलो इसको छोड़ते हैं, अभी इसको भी नहीं गिनते हैं। अभी पहले ऐसे ही गिनते हैं मोटा मोटा, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, चार ए को भी नहीं गिनते हैं, भाग पाँच। तो भाग पाँच में दोस्तों संघ के बारे में है। संघ, संघ मतलब केंद्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग छः में राज्य के बारे में, और भाग सात को दोस्तों सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया था। तो भाग सात को गिना ही नहीं जाता है। जब आप गिनती करोगे तो इस सात को नहीं गिनेंगे। भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र है, जो यूनियन टेरिटरी है, जो जिनको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। देखिए, इनको याद करने का क्या फंडा है दोस्तों, इनको आप, ये फैक्ट चीज़ है, इनको आप अगर एक फैक्ट शीट तैयार कर लेंगे और लिख लेंगे एक पेपर पर, तो आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले केंद्र आता है, संघ आता है, फिर संघ के बाद राज्य आते हैं, ध्यान रखना, ऐसे याद हो जाएंगे आपके। फिर क्या आएगा, संघ आ जाएंगे, राज्य आएंगे, फिर केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, ध्यान रखना। तो भाग पाँच में संघ है, भाग छः में राज्य हैं, सात निरस्त कर दिया गया, भाग आठ में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो भाग नौ, ये देखिए, भाग नौ में क्या है, पंचायतें हैं, नौ ए नगर पालिकाएँ हैं, नौ बी सहकारी समिति हैं। दोस्तों ये नाइन्थ ए और नाइन्थ बी ये आपके संविधान में संशोधन करके जोड़े गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सहकारी समिति का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, नगर पालिका कौन से द्वारा जोड़ा गया है, और पंचायतें वाला। भाग दस में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग ग्यारह, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका, भाग ग्यारह संघ और राज्य संबंध, आपको ये भी इंपॉर्टेंट, नाइन्थ इंपॉर्टेंट तो है ही है, 25 भाग तो आपको रटे हुए होने ही चाहिए। उसके बाद अगर आप अगर एक दो छोड़ना चाहें तो लास्ट के जो 22, 23, 24 हैं इनको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको 25 भाग आपको पता हुआ होना चाहिए। तो नौ में नगर पालिका, सॉरी नौ में पंचायत, नौ एम में नगर पालिका है, नौ बी सहकारी समिति है, दस में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, ग्यारह में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 आप छोड़ सकते हैं कि याद बेशक ना हो 12, लेकिन 13 आपको पता होना चाहिए कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता होगी। और ये आर्टिकल जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 301 से लेकर 307 तक फैला हुआ है ये आर्टिकल, ये वाला भाग। फिर भाग 14 है, फिर 14 ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण ट्रिब्यूनल। भाग 14 है, इसमें दो ही आर्टिकल है, 323 ए और 323 बी, 323 ए और 323 बी, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों दोनों, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, अधिकरण वाला ट्रिब्यूनल है ये, विवाद सुलझाने के लिए प्रशासनिक और अन्य भी। भाग 15 आपको पता हुआ एकदम होना चाहिए, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन कैसे कैसे होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि इलेक्शन का जो भाग है वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक फैला हुआ है। तो ये दोस्तों 324 से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 329 तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध है। कुछ वर्ग कौन से दोस्तों, जो कुछ वर्ग हैं जो इनके लिए उपबंध इन्होंने कर रखे हैं, जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं और अल्पसंख्यक हैं, तो इनके लिए कुछ प्रावधान है। भाग 17 आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, राजभाषा है, इसमें 343 से लेकर 351 तक ये है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। देखो अंदर का बेसक पता ना हो कि 344 में क्या लिखा है, 345 की लैंग्वेज क्या है, 346 की लैंग्वेज क्या है, लेकिन आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक फैला हुआ है, ये ऐसे आपको पता होना चाहिए। इसकी भी दोस्तों मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से भाग में किस आर्टिकल तक कहां तक फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नागरिकता कहां है, अगर आपको नागरिकता के आगे लिख दें अनुच्छेद 368, तो दोस्तों कट कर देना, क्योंकि नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है केवल, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध, एमरजेंसी प्रोविज़न,
तो ये 352 से लेकर 360, ये तो दोस्तों आपको ये सारे आर्टिकल याद होने ही चाहिए कि 352 की विषय वस्तु क्या है। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये 352, 360 तक आपको पता हुआ ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको भाग 19वां भी याद हो, लेकिन 20वां तो आपको पता ही होना चाहिए। संविधान का संशोधन, कि संविधान में कैसे संशोधन होता है, और एक ही आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 368। भाग 20 की मजे की बात यह है कि केवल एक ही आर्टिकल 368, 368 में बता रखा है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। 20 के बाद बेशक आपको 21 और 22 वाला बेशक ना पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। तो देखिए भाग गिनते हैं, भाग कितने हैं, देखो गिनेंगे 22 भाग तो ये हो गया आपके, देखिए 22 तो 23 वो हो गया, ये 4A 23, 22 और 23 हो गए 23। अब गिनते हैं, देखिए इन्हें, और 11 अधिकरण वाला 24, 11 सहकारी समिति वाला 25, और 11 नगर पालिका वाला 26। तो 26 दोस्तों ये हो गए, और ये वाला हमें घटा देना है जो हमने क्या करा था, ये वाला 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 56 के द्वारा हटा दिया था ना, तो 26 में से ये घटा दो दोस्तों। तो दोस्तों भाग हमारे संविधान में है 25, तो 25 भाग है दोस्तों गणना की दृष्टि। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, और ये आपको भाग दोस्तों पता हुआ ही होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अच्छी ना लग रही हो तो दोस्तों डिसलाइक करें, और जो उसमें हो फीचर्स उन्हें देख कर वीडियो के दृष्टि से कर सकते हैं आप। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अगर हम गणना करेंगे, गिनेंगे टोटल कुल भाग अगर पूछेंगे तो 25 भाग हैं दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों 22 भाग हैं संविधान में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो अगर आपको ये पता होगा कि नागरिकता कहाँ पर है, मौलिक अधिकार कहाँ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ हैं, और राज्य कहाँ हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए नागरिकता कहाँ है, अभी मैंने बताया है कि नागरिकता है संविधान के भाग 2 में, और आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक, ये आपको पता होना चाहिए। बेशक आपको ये ना पता हो कि आर्टिकल 5 की विषय वस्तु क्या है, 6 की विषय वस्तु क्या है, 7 की विषय वस्तु क्या है, 8 में क्या लिखा है, 9 क्या बात कहता है, तो बेशक आपको ये ना पता हो, लेकिन आपको मोटा मोटा रफ आइडिया ये हो कि नागरिकता भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है, तो यो वाला तो सही है आपका। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक, जहाँ नागरिकता खत्म होती है वहीं से मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार के बाद फिर DPSP आते हैं। तो इस एक पैटर्न में हम समझेंगे, जब हम पॉलिटी के एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे तो उसमें सीक्वेंस वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपको 100 ट्रिक मैं इनके बता दूं कि 100 ट्रिक से आप याद कर लो, तो आपके जीवन में केवल पॉलिटी पढ़ने को नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, आप उनकी भी आज 100 ट्रिक याद करोगे, तो 100 ट्रिक को भी अपने आप में याद करना तो चुनौती है ना। तो 100 ट्रिक दोस्तों कुछ नहीं होता है, अगर आप इनको बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपको 100 ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 ट्रिक को भी याद करना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि 100 ट्रिक बहुत सारे सब्जेक्ट की बन जाएगी, फिर उनको याद रखो, उन्हें ध्यान में रखो। तो इससे तो अच्छा दोस्तों ये है, इनको भाग को लिख लो और रोज़ रिवाइज़ करो उनको, 5-7 दिन, 10-15 दिन में दोस्तों ये याद हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो नागरिकता ये सही है, मौलिक अधिकार ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य ये भाग 6 है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना, 4 नहीं लिखा है, 4 लिखते हैं ऐसे, 4th, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 4th, 4A, 4A में मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो ये सम्मिलित नहीं है। राज्य का प्रावधान तो भाग 6 में है, भाग 5 में क्या है दोस्तों, संघ के बारे में, केंद्र के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में, 7 को निरस्ती कर दिया, भाग 8 में किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में,
नौ में नगर पा नौ में पंचायत हैं, नौ ए में नगर पालिकाएँ हैं, नौ बी में सहकारी समितियाँ हैं। ये आपको याद होना चाहिए। देखो सिक्वेंस है इनमें, सिक्वेंस पकड़िए आप, देखो इनको याद करना क्या सिक्वेंस है। मौलिकता देखो इसमें तो आप कन्फ्यूजन होना नहीं, संघ और उसका राज्य थे, पहले संघ के बारे में बताया जाएगा, राज्य के बारे में बताया जाएगा, फिर नागरिकता को पकड़ लो। नागरिकता के बाद आप जब देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद करेंगे तो पहले नागरिकता ग्रहण कर लिया आपने, फिर आप अपने अधिकारों की बात करेंगे, फिर और कुछ अधिकारों की बात करेंगे कि राज्य का भी तो अधिकार है कि कुछ समाज को देना, फिर उसके बाद में मौलिक कर्तव्य हैं, ऐसे याद करो उन्हें। उसके बाद भाई पहले संघ आएगा जो केंद्र है, फिर राज्य आएंगे इसको निरस्ती करता है, फिर केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। इसके बाद दोस्तों फिर क्या आएगा संविधान में, पंचायत है, पंचायत के बाद नगर पालिका है, फिर सहकारी समिति है। ये ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। पहले पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर सहकारी समिति है, नाइन्थ नाइन्थ है नाइन्थ भी, तो इस तरह से आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत का उपबंध कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये दोस्तों लेकर आया गया था संविधान में। तो पंचायत बनाने का प्रावधान कहाँ है, पंचायत कौन से भाग में है, तो अभी बताया दोस्तों पंचायत नौ में। देखो भाग नौ में पंचायत है, नौ ए में नगर पालिकाएँ हैं, आपको याद होना चाहिए ऐसी, और नौ बी में दोस्तों क्या है सहकारी समिति। सहकारी समिति का प्रावधान दोस्तों जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आप ध्यान रखना है कि पंचायत का उपबंध कहाँ पर है, भाग नौ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। दोस्तों एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या प्रावधान किया गया था, नगर पालिका किया गया था, पंचायत का किया गया था, सहकारी समिति का किया गया था, या किसका किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत के बारे में है, ये ध्यान रखना है आपको। और 24 अप्रैल 1993 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस, ध्यान रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, तो संघ और राज्यों के बीच दोस्तों ध्यान रखना, संघ और राज्यों के बीच संबंध पूछ रहा है, संबंध अभी हमने पढ़ा है कि भाग 11 अध्याय ए। हम इन भाग को डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, अभी हमारा उद्देश्य ये है कि घटनाचक्र पूरा लोगों के पिछले सालों के पेपरों का अध्ययन किया जाए और एक पैटर्न हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की क्या प्रकृति एग्ज़ाम में होती है, क्योंकि उन क्वेश्चन को देख कर ही हम अपनी आगे की तैयारी या रणनीति तय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल घबराना मत, कितना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इनमें से अगर आपको एक या दो भी पता होगा ना तो आपका काम आराम से बन जाएगा, बस वे पता होना चाहिए जो मतलब सबको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों वो अगर सबको पता है ना तो आंसर कर लेंगे, और वही पता होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको संविधान विशेषज्ञ ही होना चाहिए। नहीं देखिए आप पढ़ते हैं, उपाधियों का अंत, दोस्तों उपाधियों का अंत ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो बेशक आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ो। ग्राम पंचायतों का गठन, चलिए 6 से 14 वर्ष के लिए ये शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और इंडिया भारत राज्यों का संघ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, आपको ये सारे पता होना चाहिए जो मैंने बताया, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक में सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से में उपाधियों का अंत भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी ये सब आ जाएंगे। तो देखिए उपाधियों का अंत जब पढ़ते हैं तो ये कहाँ है, फंडामेंटल राइट्स, इन्हें पढ़ो पहले। ये बता रखा है कि भाई DPSP बताओ इनमें से क्या है, इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स है तो बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक कर्तव्य है तो बताओ मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखो
मूल अधिकार है, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, 101% पता होना चाहिए। एक तो DPSP फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो मुँह जुबानी आपको दोस्तों कंठस्थ होना चाहिए एकदम कंठस्थ। तो मूल अधिकार दोस्तों क्या है, उपाधियों का अंत, ये मूल अधिकार है। तो ए का थर्ड देख लो आप कहाँ है, ए रहा आपका और थर्ड ही रहा दोस्तों, तो राइट आंसर बी होगा, देखो बी आंसर, क्योंकि ए का थर्ड मूल अधिकार ये है। अब देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन है, ध्यान रखो ग्राम पंचायतों के बारे में कि कैसे कैसे गठन होगा इनका, मतलब राज्यों को कह रखा है, तो DPSP में लिखा है। ये मौलिक कर्तव्य है आपका, और ये वाला ये ना, ये देखिए इंडिया भारत राज्यों का संघ है, इस संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें याद हो, आपको संविधान विशेषज्ञ होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखो संविधान का दूसरा भाग, दूसरे भाग में तो क्या है, दूसरे भाग में तो नागरिकता है, ये देखिए मौलिक अधिकार तो भाग तीन में है जी। संविधान का तीसरा भाग, तीसरे भाग में तो मौलिक अधिकार है, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर रखा है, दूसरे भाग में नागरिकता है जबकि तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा कै भाग, देखो चौथा कै, चौथे कै में दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, ये आपका राइट है बिल्कुल। और चौथे में क्या है भाग आपके चार में दोस्तों, भाग चार में आपके DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है, नागरिकता के बारे में तो भाग दो में है, संघ राज्य क्षेत्र इसको छोड़ देते हैं अभी, नगर पालिकाएँ नाइन्थ में, अभी हमने पढ़ा है कि नगर, देखो नगर पालिका तो नाइन्थ में ही है और ये भी सही है नाइन्थ है। देखो नौ में क्या है पंचायत है, नौ ए में नगर पालिका है और नौ बी में सहकारी समिति, ये तीनों आपको एकदम ऐसी याद होनी चाहिए, नौ में पंचायत, नौ ए नगर पालिका और नौ बी सहकारी समिति। अब देखिए निर्वोचन, निर्वोचन 15 दोस्तों, 15 में निर्वोचन नहीं है तो सॉरी दोस्तों, निर्वाचन के बारे में 15 में ही है, और इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों 7 में नहीं है, 7 तो निरस्ती कर दिया था, संघ राज्य क्षेत्र कहाँ है तो भाग 8 में दोस्तों, ध्यान रखना है भाग 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र। ये देखिए संविधान का भाग 7, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 56 द्वारा निरस्त कर दिया गया। देखो इतने सारी चीज़ ये फैक्ट हैं, ये कैसे याद हो गया, आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो बार बार आसानी से ये याद हो जाती है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी ये, जब आप बार बार इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे तो आसानी से दोस्तों याद हो जाती है, इनके लिए कोई इतनी समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलानी है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 बताओ, 9 क्या है, तो 9 है दोस्तों पंचायत, ये रहा। भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 दोस्तों क्या है, भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4A, तो 4A दोस्तों क्या है, 4A दोस्तों मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। और भारतीय संविधान का भाग 9A, 9A बचा 9A नगर पालिका है, देखिए फिर मैं बता दूँ तो 9 है पंचायत, 9 है नगर पालिका और 9 भी क्या है आपकी सहकारी समिति, ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, हो गया सवाल। ये देखिए आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, किस तरह के घबरा जाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वे हैं स्टेटमेंट के, बस आप ये पकड़ो, एक दो भी पकड़ लोगे ना आप 9, तो ए का हमने क्या आंसर निकला था, 9 में क्या है, 9 में दोस्तों पंचायत है, तो ए का 3, ये तो हमें पता ही है पंचायत, तो दोस्तों इतनी चुनाव वनाव चलते हैं याद होना चाहिए, ए का 3 है दोस्तों, ये रहा ए का 3 राइट आंसर आपका ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन आपको जब भी होंगे, जब आपको 22 और 3 25 भाग आपको पता हो तभी आप इन कर पाओगे। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि हम पिछले सालों के पेपरों का अध्ययन करें और यह पता लगाएं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हैं, ताकि हम उन रिपीटेशनों पर अपनी पकड़ बना सकें और एक अपनी पढ़ाई को एक स्तर पर ला सकें।
दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जीएस को कवर करने का एक यही एक तरीका होता है कि हम पिछले साल के पेपर को पकड़े और उन्हें पढ़े। क्योंकि जीएस दोस्तों अगर हम ऐसे पढ़ेंगे बिना पेपर के, बिना पिछले साल के पेपर को स्टडी किए, तो दोस्तों जीएस एक समुद्र की भांति है जिसमें हम खो भी सकते हैं। इसलिए जीएस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पिछले साल के जो पेपर हैं उन पेपर के आधार पर हमें जीएस को पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर हम इतिहास ही पढ़ने बैठ गए तो दोस्तों इतिहासकार ही हो जाएंगे, हम संविधान पढ़ने बैठ गए तो दोस्तों संविधान विशेषज्ञ हो जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गए तो भूगोल वेत्ता ही हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको केवल केवल आपको PYQ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं और उनके आधार पर दोस्तों आपको अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा वाला भाई सही नहीं है। तो पंचायत तो आपको बताया कि 9 में है, ये तो सही है। नगर पालिका 9 ए में है। सहकारी समिति का है भाग 9 बी में है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, बार बार ये संविधान जब पढ़ते हो वहाँ पर आते हैं। और अधिकरण दोस्तों उसमें है नहीं, भाग 10 में अधिकरण नहीं है। अधिकरण कहाँ पर है मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि अधिकरण का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने हिंट दे दिया है, उसके बाद भी फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। और ये बताना है कि किस संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायत का जो प्रावधान है भाग 9 में है। दोस्तों भी यहाँ पर चिड़ियों की चहचाने की आवाज़ आ रही होगी, अभी मेरे पास माइक का इंतज़ाम नहीं है, बस कुछ ही दिन में माइक भी आ जाएगा। अभी जितने भी ये संसाधन हैं, इक्विपमेंट हैं, वे धीरे धीरे दोस्तों मैं कलेक्ट कर लूँगा और फिर आपको एकदम अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों पंचायत का प्रावधान कहाँ है? भाग 9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची एक को दोस्तों सूची दो से मिलाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भी बताया हमने कि भाग 3 में, ये तो आपको दोस्तों पता ही होना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में किसको नहीं पता होता, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी बात रख सकें। हमें पता हो कि हाँ मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। चलिए मौलिक कर्तव्य बताइए कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जाके बताना आपको मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 में है। ये ना, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आपात उपबंध दोस्तों कहाँ पर है? आपात उपबंध भाग 18 में। ये ना 10/5/15/3/18, और ये आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक। 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है। चलिए मौलिक अधिकार ए का दोस्तों कहाँ है? भाग 3 ये, तो ए का 2 है, तो ए है ना आपका 2 दोस्तों। देखो ए में और सी में, तो डी हटाओ सबसे पहले और बी भी हटाओ। देखो ऐसे निकलते हैं आंसर। अब आपको देखो 50-50 तक तो पहुँच गए आप। अब देखो मौलिक कर्तव्य वाला, देखो मौलिक कर्तव्य है हमारे भाग 4 में, तो बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट दोस्तों यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो इससे भी आंसर नहीं निकल रहा अभी। देखो अब आपात उपबंध पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेशक आप संघ को एक मिनट को भूल भी जाओ, तो आपात उपबंध तो आप पढ़ते पढ़ते हो, इमरजेंसी प्रोविज़न बहुत बार पढ़ोगे आप इसको। तो ये कहाँ पर? डी का 3 है, तो डी का 3 कहाँ है? केवल एक में ही है। ये रहा देखो ये आंसर राइट हो गया आपका। तो दोस्तों आंसर तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आंसर कैसे निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित मतलब सही नहीं है, ये बताना है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों भाग 4 में, राज्य का है भाग 6 में,
भारत का महान्यायवादी, दोस्तों महान्यायवादी यहाँ पर नहीं है, भाग पाँच में है, क्योंकि जब केंद्र को पढ़ोगे भाग पाँच में तो वहीं पर इसकी व्यवस्था की गई है, और ये आपका सही है। तो दोस्तों सी सही नहीं है, सी हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा भारत का महान्यायवादी, ये आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका जो प्रावधान है कौन से आर्टिकल में कर रखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपको दोस्तों बताना है। चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 10, 5, 15 और 1, 16, संविधान का भाग 17 और भाग 18। ये देखिए दोस्तों भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, ये तो आपको पता ही लग गया, अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट था। ये देखिए कैसे निकलते हैं, तो डी एरा और पहला, तो डी का दोस्तों पहला है, और यहाँ पे देखिए डी डी एरा, डी में कहाँ है पहला, पहला एरा, तो राइट आंसर बी हो गया आपका। दोस्तों ज़रूरी नहीं आपको सारे याद हो, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट भाग हैं, कम से कम वे तो आपको पता ही होने चाहिए, उसके बिना तो दोस्तों जीवन जीने ही बेकार है, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, अन्यथा ना लिए दोस्तों इस कथन को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान की तैयारी मतलब पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भाग तो इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, दोस्तों 16 है कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर रखे हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये वाला जो भाग हमारा फैला हुआ है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वे। दोस्तों इस वाली वीडियो में जो पिछले साल के पेपर हैं जो अनुच्छेद आए हैं वे हैं, लेकिन मैं जब आपको पॉलिटी की वीडियो लाऊंगा सीक्वेंस वाइज कि कैसे कैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं मैं सब डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें भी फिर भी मैं आपको मोटा मोटा एक खाका खींच दूँ आपके सामने। चलिए पहले क्वेश्चन खोल लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। यहाँ पर आपको मोटा मोटा अगर मैं बता दूँ तो आपको आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद आ जाइए आपको एक संविधान में भाग 20 है, और इसमें एक ही आर्टिकल है 368। संविधान का जो भाग 20 है वो है संविधान का संशोधन, संविधान में कैसे संशोधन होगा, तो उसमें एक आर्टिकल है 368, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपात उपबंध कहाँ है, तो आर्टिकल 252 से लेकर 360 तक है, ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है, तो दोस्तों 108 में है, अनुच्छेद 108 में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में है। इस तरह से और भी है, जैसे यानी मंत्रिपरिषद को अगर सलाह देंगे, मंत्रिपरिषद अगर सलाह देगी राष्ट्रपति को तो कौन सा आर्टिकल में है, तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए आर्टिकल 74 में, 74 में। और जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत निकालते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत निकालते हैं। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि देखो राष्ट्रपति निकालेगा 123 से, राज्यपाल अध्यादेश निकालेगा 213 से, और देखो ऐसे याद करते हैं हमारे यहाँ पर देखो केंद्र है, राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अगर केंद्र है तो वहाँ पर राष्ट्रपति निकालेगा अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल निकालेगा 213 के तहत, और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक है वो अनुच्छेद 239 बी के तहत निकालेगा अध्यादेश। तो एक सीक्वेंस होता है याद करने का कि अध्यादेश हमारे देश में कौन कौन निकालता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल के तहत निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपको जल्दी लाऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें प्लीज़, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पसंद आए तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हो, और जो भी इसमें फीचर्स हो वो कर सकते हो अगर पसंद ना आ रही हो वीडियो, लेकिन अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, दोस्तों संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा ना तो पूछा जाएगा और ना ही पूछे जाते हैं, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद दोस्तों ये चेंज वो करते रहते हैं, मतलब बढ़ाते रहते हैं आर्टिकल,
तो फिर भी अगर हम मोटा मोटा रफ आइडिया लगाएं तो संविधान में 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। वर्तमान में तो इनकी संख्या देखो कितनी पहुँच गई, 468 तक पहुँच गई। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, अगर लगाएंगे तो बता देना 400 अधिक अनुच्छेद है। देखो यहाँ देखो ए बी और डी पढ़ो, ये तीनों में क्या क्या रखा है कि केवल फिक्स अमाउंट बता रखी है, मतलब फिक्स 350 अनुच्छेद है, 500 अनुच्छेद है, 300 अनुच्छेद है, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है आपका सी वाला जिसमें बता रखा है कि भाई देखो पता नहीं लेकिन 400 से ज़्यादा है, पता किसी को नहीं है लेकिन है कितने 400 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ऐसे ऑप्शन आपको नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो ऐसा आंसर देंगे 400 से ज़्यादा अधिक है कि किसी को नहीं पता दोस्तों, बस ऐसा बता देंगे भाई लगभग इतना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये संशोधन के द्वारा ये कोई ना कोई चेंज करते रहता है, किसी को हटा देंगे अनुच्छेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हाँ आपको ये बता देंगे कि जब संविधान स्टार्ट हुआ था लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे, तो 295 अनुच्छेद थे। देखो क्वेश्चन भी आ गया ये ना, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में शुरू में 395 अनुच्छेद थे। देखो अभी मैं एक चीज़ आपको बताने वाला था, अगले क्वेश्चन में आएगा है वो भी, देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं। देखो गणना की दृष्टि से अनुच्छेद पूछो, देखो आंसर यहाँ पे क्या लगा रखा है। तो दोस्तों ये तो पता नहीं कि कितने अनुच्छेद है, लेकिन अनुसूचित है दोस्तों 12 है वर्तमान में। देखो 12 कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है 12, एक तो इसमें और एक इसमें है। तो फिर भी अगर बी और डी में से लगाना चाहे दोस्तों आंसर आप डी लगा सकते हो, क्योंकि इतने तो अनुच्छेद आपके वर्तमान में होंगे ही होंगे, 395 तो है नहीं, क्योंकि 395 दोस्तों स्टार्टिंग में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो ये बताना है कि जब संविधान स्टार्ट हुआ था मतलब लागू हुआ था तो उस टाइम में कितने भाग थे। दोस्तों 22 भाग थे, अनुच्छेद कितने थे 395, ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूचियाँ कितनी थी 8, और वर्तमान में कितनी है 12, 4 अनुसूचियाँ तो बाद में जोड़ी गई है, 4 अनुसूची जोड़ने जो जोड़ी गई है। देखो कैसे याद करते हैं अनुसूचियाँ, 8 ध्यान रखो पहले आप, 9, 10, 11, 12 देखते हैं। देखो 9 में क्या है बताओ आप, क्या है कमेंट बॉक्स में जाके बताना। तो 9 में दोस्तों भूमि सुधार संबंधित जो कानून है वे जोड़े गए थे, इसमें डाले गए थे। 10 में क्या है, दल बदल के आधार पर निहिरता से संबंधित प्रावधान है। 11 में क्या है दोस्तों, 11 में पंचायत है, 12 में नगर पालिका है, ऐसे याद करो 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका, 10 में दल बदल के आधार पर निहिरता, मतलब जो दल बदलेंगे सांसद सदस्य है, संसद के सदस्य है या राज्य के विधानसभा के विधानसभा के सदस्य हैं, तो अगर वे दल बदलेंगे तो क्या निर्णताएँ हैं, उन पर क्या अयोग्यताएँ लगेंगी, तो वो है 9वीं में भूमि सुधार संबंधी कानून है, तो ऐसा आपको याद होना चाहिए। 8वीं में क्या है कमेंट बॉक्स में जाके बताना, 8वीं में क्या है भाषाएँ हैं, 7वीं में सूचियाँ हैं। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे इन्हें, अगर आप इनके शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाओगे दोस्तों याद नहीं हो पाने, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को भी तो याद करना अपने आप में चुनौती है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक केवल आपको भाग और अनुसूची की थोड़ी याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक फिर तो आपको नेशनल पार्क की भी याद करनी है। बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, अब आप शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो शॉर्ट ट्रिक को भी तो याद करना अपना में समस्या है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक केवल एक थोड़ी है, शॉर्ट ट्रिक हर सब्जेक्ट में, हर सेगमेंट की, हर टॉपिक की, हर सब टॉपिक की। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही लग गया, इसका राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है, दोस्तों नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इस वीडियो में, 2 चैप्टर हम करेंगे। तो भारतीय संविधान में दोस्तों क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए आप ये पढ़िए, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो नए राज्यों का गठन, बेशक आपको ना पता हो तो छोड़ो पढ़ो आगे, नागरिकता पढ़ने आपको सब है, आपको सूची एक भी पढ़नी है, सूची दो भी पढ़नी है, नागरिकता, चलिए नागरिकता को अभी हम बहुत नागरिकता नागरिकता देखो, 1 से लेकर जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 151 तक, ये केवल वही हैं, बार बार वे घूम फिर कर आएंगे आपके सामने, 1 से लेकर 51 तक। ये देखिए
नागरिकता भाग दो में, और दो भाग में बताया मैंने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है नागरिकता के, तो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। तो देखो नागरिकता ये रहा, और भारतीय संविधान का भाग दो, भारतीय संविधान का भाग दो दोस्तों ये रहा, तो बी का पहला, तो बी का पहला लगा दो आप, अभी लगाएंगे बी का पहला। आगे आगे और पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नहीं नहीं ये नहीं है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 नहीं है, भारतीय संविधान भाग का 3, भाग 3, तो मौलिक अधिकार वाला ये रहा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये अभी मैंने आपको बताया कि भाग 14A जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें दो आर्टिकल हैं दोस्तों केवल, 323A और 323B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 323A 323B, तो डी का 3, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको देखो बी सी तो पता ही है, इसके बेस पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो मौलिक अधिकार वाला देखते हैं ज़रा, बी का पहला, तो बी का दोस्तों पहला देखते हैं, पहले यहाँ पर देखिए बी है ना, और बी का अगर आपको पहले ही पता हो ना, देखो ये आ गया आंसर निकल के, ऐसे करना है दोस्तों, ये राइट आंसर ये हो गया। तो 1 से लेकर 51 तक आपको याद करने में ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी, और ना ही आपको 25 भाग याद करने में आएगी। इनका एक अच्छा तरीका ये है, आप इनको लिख ले और अपनी दीवार पर चिपका ले, या एक पॉलिटी का एक मैप आता है आप उसको दीवार पर चिपका लें, हिस्ट्री पॉलिटी और हिस्ट्री का पॉलिटी का, और हाँ ये मैप आते हैं इनके, इनका मैप आर्टिकल्स के अपनी दीवार पर चिपका लें, उनको रोज़ देखें, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीन के मैप आते हैं आपके, तो उनको आप दीवार पर चिपका लें और रोज़ देखें 10-15 मिनट, आपको कंठस्थ ऑटोमेटिक हो जाएंगे, रोज़ सुबह उठे और रोज़ आपने वो मैप देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, वित्त विधेयक की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 117 में है, ध्यान रखने 117 का है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है धन विधेयक कौन से आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक आर्टिकल अनुच्छेद 117, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 117 में, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना, देखो ये आर्टिकल आ गया अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 जो आर्टिकल 123 है उसमें क्या है, तो कमेंट में जाके बताना कि क्या है, मैं नहीं बताऊँगा अभी, मैंने बताया है, देखो ये छुपा लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ मैं छुपा लेता हूँ, आपको नहीं बताना, ये नहीं पढ़ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान आर्टिकल 312 में है, और आपको बताना है जाके कमेंट में कि इसको कौन शुरू करने का जिम्मा है, ये कौन शुरुआत करेगा इसकी, तो राज्यसभा शुरुआत करते हैं इसके, देखो लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही है ये बताना है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, देखो ये सही नहीं है, पूछो क्यों सही नहीं है, जब आप 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल पढ़ोगे और शुरू के भाग याद करोगे तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में आ जाएगा, तो दोस्तों ये तो गलत हो गया आपका, ये तो सही नहीं है। भारत का निर्वोचन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का निर्वोचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 में ही है दोस्तों, ये राइट आंसर है 324, 324 से 329 तक अभी भाग मैंने भी आपको बताया है कि वहाँ प्रावधान किया गया है, तो ये आपका सही है, ये दोनों आपके गलत हैं, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल, चलिए इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ये देखिए सारे आर्टिकल आपके 1 से लेकर 51 तक के अंदर में आ जाएंगे, और वो तो पता ही होना चाहिए आपको, तो ये तो आपका सही है, ग्राम पंचायत गठन ये भी सही है, समान नागरिक संहिता वर्तमान में बेहद चर्चित है, भारतीय सरकार भारत सरकार जो है ना ये ला रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए था,
तो सी भी सही है। तो दोस्तों ये न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। दोस्तों ये पता कहाँ पे दिया गया है संविधान के, ये दे रखा है DPSP में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दे रखा है। तो 48 में नहीं दे रखा है दोस्तों, ये आर्टिकल 50 में दे रखा है ना। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूची मिलानी है फिर दोबारा से। देखो अब देखो कैसे निकलता है, ये आप आर्टिकल पढ़ो सारे, आप पढ़े आपने तो अनुच्छेद 124 आपको पता होना चाहिए आर्टिकल क्या है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता तो पढ़ते हैं आगे आर्टिकल फाइव तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है ये तो आपको 101% पता होना चाहिए। तो देखो बी का टू है, तो बी में टू देखो कहाँ आ रहा है, देखो बी में टू केवल ए यहीं पे आ रहा है, ये रहा। तो यही आंसर हो गया आपका, तो ऐसे भी निकल जाता है। लेकिन फिर भी आपको देखो ये पता होना चाहिए, देखो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा इसका आंसर, लेकिन आपको ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 124 में दोस्तों क्या है, संघ न्यायपालिका के बारे में है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल याद नहीं रखोगे, तो दोस्तों तैयारी में कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो आप ये याद होना चाहिए आपको, 352 बताइए भाग किस में, भाग 18 की विषय वस्तु क्या है, आपात उपबंध है, आकस्मिक प्रावधान जिनको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। 352 से लेकर 360 तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो ये सही है, तो आंसर निकल गया आपका। तो आपको तीनों पता होने चाहिए, अगर तीनों नहीं पता दोस्तों इनको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, जरा देखो ये कैसे निकलता है। अनुच्छेद 14 दोस्तों मूल अधिकार है, पता होना चाहिए, समानता का अधिकार है, ये तो पता होना चाहिए का तीन है। अनुच्छेद 36 नीति नहीं सकता, तो 36 से 51 वही आएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 368 एक आर्टिकल है, केवल एक आर्टिकल कहाँ, संविधान का संशोधन, तो ये निकल गया आपका। और 1974 अभी मैंने वीडियो में बताया कि मंत्रिपरिषद, अभी मैंने बताया था। चलिए तो आंसर निकालते हैं, पहले ए का तीन ऐसे निकालते हैं, तो ए का तीन ना 200 इसमें है ना इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा दोस्तों ए का तीन यहाँ पर, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखें क्वेश्चन रिपीट है ये वाला, ये पढ़िए और इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए, सोचिए इसके बारे में, पढ़ो और इसका आंसर निकाल के देखो कैसे कैसे आंसर निकलता है। हमने चार ऑप्शन पढ़े, तो पढ़े तो समानता का अधिकार, समता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी, तो आर्टिकल दोस्तों 14 में है। और ये मूल अधिकार भाग 3 में है दोस्तों, और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर 35 तक। चलिए समता का अधिकार 14, तो बी का फर्स्ट है दोस्तों, तो बी का फर्स्ट काम बी ये रहा और फर्स्ट ये रहा दोस्तों, बी का फर्स्ट राइट आंसर आ गया ये, ठीक है। लेकिन आपको इससे भी पता होना चाहिए आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स आपका, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये आर्टिकल 111 में दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो वही आर्टिकल दोस्तों घुमा फिरा के इसमें पूछते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और ज़्यादा जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो दोस्तों वे पता ही होंगे आपको मोटा मोटा, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आर्टिकल वे बिल्कुल आपके पढ़े हुए आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पढ़ते हैं, ये पढ़ो, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और राज्य विधानसभा की संरचना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि इनमें से आपको किन का आंसर पता हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो, आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपको दोस्तों बिल्कुल पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आर्टिकल 54 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ये देखिए अनुच्छेद 75 ये रहा। तो देखिए बी का टू है, ए का फर्स्ट है, ये रहा, ये आ गया आंसर दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सूची एक को 200, सूची दो से मिलाना है। तो ये आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल हम कह सकते हैं कि आपको बेसिक ना पता हो, लेकिन आपको ये वाला तो पता होना चाहिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाते हैं। और इसका राइट आंसर दोस्तों ये सी। तो अनुच्छेद दोस्तों 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में है, जो ध्यान रखना है आपको। तो उसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो रही है क्योंकि हमने दो चैप्टर लिए हैं इसमें। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद 323 है, तो 323 में दोस्तों हमने पढ़ा है कि अभी ट्रिब्यूनल होता है, तो एक अगर टू है प्रशासनिक अधिकरण, ये रहा 324, ये हमें पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन के बारे में है। तो ए और बी का निकाल लो आप, उससे निकल जाएगा आपका। तो पहले ए का टू देखो दोस्तों, कहाँ ए है ना, देखो ए है ना और टू ए रहा। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए संवैधानिक संशोधन, तो दोस्तों आँख मीच से लगा देना चाहिए, 368, तो ए का फोर, तो ए ये रहा और फोर ये रहा, ये आंसर ऐसे निकल जाते हैं। वित्त आयोग दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में रटा हुआ होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। तो प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए, तो सी का फोर लगाइए। सी का फोर देखो दोस्तों ना इसमें है और ना इसमें है, ए और सी में है। चलिए अब लगाते हैं हम वित्त आयोग। वित्त आयोग आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 280 में है, तो बी का टू, तो दोस्तों बी का टू ए में भी है और इसमें भी है। चलो आगे पढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको क्या के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल 148 में है, तो ए का तीन, ए का तीन आपको यहाँ पर है ये रहा। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, तो 315 से लेकर 323 तक ये प्रावधान है, ध्यान रखना है 315 से लेकर 323 तक। और ट्रिब्यूनल के बारे में है 323 ए और 323 बी, कभी आप अधिकरण में 323 लगा दो, 323 ए है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण 323 है, ये तो सही है। वित्त आयोग 280 भी सही है। अंतर्राज्य परिषद दोस्तों 263 ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। दोस्तों सारे सही हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन्होंने देखो लिखा है स्पष्टीकरण भी, लेकिन सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो अनुच्छेद 17, देखो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो 17 में ये नहीं है, 78 में ये नहीं है, ये नहीं है। देखो 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 215 222 ये आर्टिकल दे रखे हैं दोस्तों, ये पढ़ते हैं आपके। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायाधीश न्यायालयों के लिए अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो आप वो पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वहाँ पे दोस्तों आप रिट्स पढ़ते हैं, एक तो रिट पढ़ते हैं आप वहाँ पर, और दूसरा दोस्तों ये पढ़ते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक अभिलेख न्यायालय होगा और उन्हें अपने मानने की दंड देने की शक्ति होगी। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। तो उसका दोस्तों राइट आंसर ये है, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं कि 215 में दे रखा है, ये 215 में दे रखा है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो आर्टिकल 241 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 241 में कह रखा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय नहीं है तो वहाँ गठन किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में दोस्तों क्या है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ये दे रखा है, और अनुच्छेद 75 में दोस्तों क्या दे रखा है, अनुच्छेद 75 में दोस्तों दे रखा है भारत का महान्यायवादी के बारे में। चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 148 ए रहा, बी और बी का फर्स्ट ए रहा, तो बी का फर्स्ट बी आपका ये रहा और फर्स्ट दोस्तों यहाँ है, तो ना तो इसमें ना इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका ये है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखिए, विधि के सम्मुख समता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। हम आंसर पढ़ते हैं कि विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 74 में दी गई है, सॉरी 14 में दे रखा है, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में दे रखा है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में। दोस्तों जो 41, 42 और 45 की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वाली बात इन्होंने क्या रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और वीडियो दोस्तों आज बहुत लंबी हो गई है, इसका ये कारण हमने दो चैप्टर एक साथ लिए थे आज। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपको ये पता हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि इतने सारे 371 ए बी सी डी ये नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने दो चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, अभी चैनल हमने नया बनाया है और मैं बहुत ही जल्दी ये सारे इक्विपमेंट इसके परचेज कर लूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की आवाज़ या दिक्कत ना हो। देखिए हमने इस वीडियो में कौन कौन से चैप्टर किए हैं, इस वीडियो में दोस्तों हमने पढ़े हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संविधान में अनुच्छेद। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये अनुसूचियाँ को पढ़ने वाले हैं, बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह के मैं दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, और मैं बाकी जो सेगमेंट हैं उनका जो स्टैटिक पोर्शन है उन पर भी वीडियो बनाऊँगा, जो ज्योग्राफी में जो बहुत सारी चीज़ें हमें रटने की होती हैं दोस्तों और कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं, तो उनके ऊपर भी मैं दोस्तों वीडियो बहुत जल्द लेने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।